नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय ने रविवार तड़के यह बताया कि कुछ ही मिनटों के लिए नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल में हैकर्स ने सेंध लगा दी है। जी हां, पीएमओ की ओर से यह जानकारी दी गई है। साथ ही बताया गया है कि अकाउंट रिस्टोर करने के बाद यह मामला माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के समकक्ष उठाया गया है। पीएमओ ने ट्वीट किया कि पीएम नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल कुछ देर के लिए हैक हुआ। यह मामला ट्विटर के सामने उठाया गया है और अकाउंट को भी तुरंत ही रिस्टोर करके सुरक्षित कर दिया गया। बता दें कि अकाउंट से किए गए बेकार ट्वीट्स अब डिलीट कर दिए गए हैं। पीएम मोदी के ट्विटर पर 2.34 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद भारत में #hacked# ट्रेंड करने लगा। हालांकि अब हैंडल से हैकरों द्वारा किए गए ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन कुछ यूजरों ने इसके कथित स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिसमें लिखा गया है कि भारत ने कानूनी तौर पर बिटकॉइन को मान्यता दे दी है। ट्वीट के स्क्रीनशॉट के मुताबिक भारत ने आधिकारिक तौर पर बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है और सरकार भी 500 BTC खरीदकर लोगों में बांट रही है। वहीं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने पीएम मोदी के हैंडल से हैकरों द्वारा किए गए ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, गुड मॉर्निंग मोदी जी, सब चंगा सी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।